नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट चोला प्रोविजन। भारतीय रेलवे में कर्मचारियों के छुट्टी संबंधी नियमों की जो चर्चा की गई है वह इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में की गई है। इस कोड के पैरा 503 में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी अधिकार के साथ अपनी छुट्टी की का दावा नहीं कर सकते हैं। सिंपल भाषा में यह कहें कि कर्मचारी का अधिकार नहीं है। कर्मचारी अपने लिखित आवेदन में छुट्टी की मांग कर सकते हैं और सक्षम प्राधिकारी जो उस कर्मचारी की छुट्टी को सैंक्शन करने का अधिकार रखता है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो कर्मचारी का छुट्टी मंजूर करे अथवा ना करें। प्रशासन अपने हितों को ध्यान में, रेलवे के हितों को ध्यान में रख करके निर्णय लेता है और प्रशासन के हितों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी को छुट्टी दी जा सकती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि रेलवे मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी दिया जाए, क्योंकि यह कर्मचारी जब भी छुट्टी से वापस आते हैं, जब भी वो छुट्टी से वापस आते हैं तो एक नई ऊर्जा, नई जोश और एक नई उमंग के साथ फिर से ड्यूटी में लग जाते हैं। इसलिए रेलवे मंत्रालय कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी देने के पक्ष में है। कर्मचारी कभी भी अपनी छुट्टी की मांग अपने लिखित आवेदन में करते हैं और कर्मचारी जिस छुट्टी की मांग कर रहा है, कर्मचारी अगर वह सीएल का मांग कर रहा है अथवा एपीएल का मांग कर रहा है तो कर्मचारी ही उसे जो कर्मचारी जिस छुट्टी का मांग किया है उसको बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर कर्मचारी सीएल का मांग कर रहा है तो उसे सीएल ही मंजूर किया जा सकता है अथवा अगर एपीएल का मांग कर रहा है तो उसे एपीएल ही मंजूर कर सकता है। तो ये कर्मचारी का अधिकार है कि वह किस छुट्टी की मांग कर रहा है, जो उसके खाते में शेष है उसके हिसाब से वह मांग करता है। अभी ये एक प्रश्न उठता है कि किस कर्मचारी को छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। रेलवे प्रशासन जिस कर्मचारी को डिसमिस करने का निर्णय ले चुका है, रिमूवल करने का निर्णय ले चुका है अथवा इसे कंपलसरी रिटायरमेंट किया जाना है, ऐसे कर्मचारियों को किसी प्रकार की छुट्टी उसे सैंक्शन नहीं की जा सकती है। सवाल ये उठता है कि अगर एक कर्मचारी सीएल पे जाता है और वो उसे एपीएल में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा। ऐसे कर्मचारी जो अपने सीएल को एपीएल में लीव परिवर्तित करना चाहता है, उसे जब भी वो कर्मचारी छुट्टी से वापस आता है, छुट्टी से वापस आने के बाद 30 दिनों के अंदर उसे लिखित आवेदन देनी पड़ती है जिसमें वो छुट्टी को परिवर्तित कर सकता है, एक छुट्टी से दूसरी छुट्टी में कन्वर्ट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी जो सक्षम अधिकारी है उसे यह अधिकार है कि वह उसके इस अधिकार को, उस परिवर्तन के अधिकार को, छुट्टी परिवर्तन के आवेदन को स्वीकार करे अथवा ना करे। आप सबको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।